फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डायलॉग राइटिंग के बारे में या कॉन्वर्सेशन राइटिंग के बारे में। एक्चुअली हम लोग क्यों, मतलब डायलॉग राइटिंग हम लोग क्यों सीखें, है ना, कॉन्वर्सेशन राइटिंग आखिर हम लोग क्यों सीखें। देखिए, बहुत सारा, एक तो स्पोकन इंग्लिश जो होता है जिसके लिए हम लोग इतना क्रेजी, है ना, इतना पागल रहते हैं कि मतलब हम लोगों को इंग्लिश बोलना है, उसके लिए भी आपको ये डायलॉग राइटिंग ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। इसमें क्या, कॉन्वर्सेशन करने का तरीका बताया जाता है। जितना ज्यादा आप इसको पढ़ते हैं, आप उतना ज्यादा दूसरों दूसरों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से बात करें ये आप वहां से भी सीख सकते हैं, बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी सिनेमाज है या जो भी मतलब फिल्म होता है या सीरियल्स होता है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस रोल प्ले करता है वो होता है डायलॉग राइटर। दैट मींस हम लोग ये सीख करके उस क्षेत्र में भी हम लोग जा सकते हैं, है ना। एक वर्ड चाहे कुछ वर्ड्स ऐसा होता है जो लिखा रहता है और उसको इतना अच्छा से प्रेजेंट किया जाता है, डायलॉग डिलीवरी इतना अच्छा हो जाता है, सिर्फ एक डायलॉग रहता है उसके इतना अच्छा डायलॉग डिलीवरी हो जाता है कि वो पूरा फेमस हो जाता है। जैसे कितने आदमी थे, है ना, कितने आदमी थे, ये जो डायलॉग था किसी ने लिखा था और किसी ने डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छे ढंग से किया था, इसीलिए ये फेमस हो गया। देखिए, डायलॉग राइटिंग का मेन मकसद ही यही होता है कि हम लोग मतलब बाद में कमर्शियली भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, अगर अच्छा ढंग का हम लोग डायलॉग राइटर बन सकते तो, ठीक है ना। तो इसके लिए सीखना पड़ता है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, और एग्जाम्स में तो आता है डायलॉग राइटिंग, है ना, डायलॉग किस तरीके से लिखना है वो तो एग्जाम में भी आता है, तो हम लोग सीखेंगे। तो मैंने यहां पर कॉन्वर्सेशन, देखिए कॉन्वर्सेशन दो आदमी के बीच में हो सकता है, तीन आदमी के बीच में हो सकता है, चार पांच ज्यादा लोगों के बीच में भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है, लेकिन मोर और लेस हम लोग दो या तीन के बीच का ही लेते हैं। मैं यहां पर जो एग्जाम्पल दिया हूं उसमें फादर एंड डॉटर, उन दोनों के बीच में बात हो रहा है, फादर डॉटर के कैरियर को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि वो मतलब इन फ्यूचर क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, ठीक है ना, उसको लेकर के वो लोग बातें कर रहे हैं। तो कैसे वो बातें करेंगे, है ना, वो जैसे फादर अपने डॉटर से क्वेश्चन कर, ईशा यू आर नॉट डूइंग वेरी वेल इन मैथ्स, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम मैथ्स में तो अच्छा नहीं कर रही हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा। ईशा क्या कहती है, देख ईशा, नो प्रॉब्लम बट आई फाइंड नो इंटरेस्ट इन इट, ना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओ ईशा कह रही है। अच्छा देखिए, इन सब चीजों में हम लोगों को एक चीज बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये सेमी कॉलन जो होता है एकदम एकदम लाइन से लिखना पड़ता है, फिर ईशा के बाद कॉमा, है ना, लास्ट जैसे मैथ्स के बाद फुल स्टॉप, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मतलब पंक्चुएशन एकदम सही होना चाहिए। पंक्चुएशन थोड़ा भी गलत हुआ तो पूरा का पूरा डायलॉग ही चेंज हो जाता है। पंक्चुएशन में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पूरा मीनिंग बदल जाता है, मतलब एक पंक्चुएशन एक से दूसरे जगह अगर लगा देंगे तो मीनिंग बदल जाता है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, है ना, ये दोनों केवल कॉमा से ही मीनिंग बदलता है ना, रुको के बाद कॉमा तो मत जाओ, तो रुको मत जाओ, तो ये पंक्चुएशन ही बहुत बड़ा काम करता है, तो इस पर हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा। और मैं आप लोगों के लिए पंक्चुएशन का बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं, आप लोग अवश्य उसको देखेंगे। ओके, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, अब उन्होंने क्वेश्चन किया है ना, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ये चीज ध्यान देना होगा, कहां पर क्वेश्चन मार्क्स होगा, कहां फुल स्टॉप होगा, कहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ईशा ने कहा, ओके फादर बोलते हैं व्हाई, क्यों, अच्छा देखिए व्हाई यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बिकॉज वो सरप्राइज कर रहे हैं उस बात को सुनकर के, तो व्हाई, आई वॉन्ट यू टू बी एन इंजीनियर, मैं चाहता था कि तुम एक इंजीनियर बनो, ए स्मार्ट गर्ल लाइक यू हैज द मेकिंग्स ऑफ एन इंजीनियर, आपकी तरह स्मार्ट लड़की को क्या बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। देखिए हर फादर का एक रहता है ना, तो वो बोलते हैं बता रहे हैं, तो लेकिन वो लड़की क्या कह रही है, ईशा बट डैड आई हैव फिक्स्ड अप माई माइंड ऑन बींग ए जर्नलिस्ट, लेकिन डैड मैंने तो अपने आप को जर्नलिस्ट बनने के लिए
माइंड को मेकअप कर लिया, मतलब समझा लिया अपने आप को। ओके, तो फादर पूछते रियली, सच में है ना? तो ईशा कहती दैट्स वाई, दैट इज वाई, यही कारण है कि दैट इज वाई आई रीड सो मेनी बुक्स एंड अटेंड मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, इसीलिए मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती हूँ, मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, ये वो अपना रीजन बता रही है। ओके, तो फादर बोलते हैं व्हाट्स योर स्पेशल इंटरेस्ट ईशा, तो आपका इंटरेस्ट क्या है ईशा स्पेशली? तो ईशा कहती है वेल ह्यूमन प्रॉब्लम्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि यही सब तो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, तो वो अपना बताती है। ओके, फादर कहते हैं नाउ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई यू हंट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सेमिनार्स टू बी हेल्ड, अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों इंफॉर्मेशन चाहती हो, सेमिनार्स कब होने वाला है, कहां होने वाला है, यही वजह था है ना? देन व्हाई डोंट यू सेंड योर राइट अप्स टू सम न्यूज़पेपर और मैगजीन, तो तुम अपने राइटअप्स यानी कि जो अपना राइटिंग्स, मैंने होता ना कभी कभी हम लोग अपना कुछ लिखते हैं, बहुत लोगों का होता है ना अपना लिखने का एक आदत होता है किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर, मैटर पर, तो आप अपना जो है वो किसी मैगजीन्स को या न्यूज़पेपर्स को आप क्यों नहीं सेंड करते, वो फादर ने उनसे पूछा। तो ईशा क्या कहती है यू नो आई एम ए कोऑर्डिनेटर ऑफ द वॉयसेस, हम अपने वॉयसेस के कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब वो ऑलरेडी वहां से वो क्या है मतलब जुड़ी हुई है। ओके, द स्टेटमैन इन स्कूल यू विल सी सम ऑफ माय राइटिंग्स इन प्रिंट, जो मतलब हमारा जो स्टेटमैन है तो उसमें आप मेरे राइटिंग्स को प्रिंट में देख सकते हैं, मतलब वहां मेरा ऑलरेडी छपा हुआ है, वो बताती है। तब जाकर के उसके फादर जो है ना सेटिस्फाइड होते हैं, कहते हैं फादर वेरी गुड ईशा कैरी ऑन, है ना? तब ईशा क्या कहती है थैंक्स डैड। ओके, तो इस तरीका से हम लोग कॉन्वर्सेशन जो है लिखते हैं। इन सब चीजों में मैं यही बात बोल रहा हूं कि जिनके बीच का कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको हम लोग इस साइड में उनका नाम मेंशन करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी यहां पर लिखेंगे अगर पैरा चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि एक लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, नीचे आना पड़ेगा, तो आपको इतना याद रखना होगा सेमी कॉलन के इस साइड में ही रहना पड़ेगा आपको। ओके, जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा है देखिए, यहां पर मैंने इस साइड में नहीं लाया, सारा जो सेंटेंसेस होता है वो सेमी कॉलन के इधर ही रहेगा, इस साइड में नहीं आएगा, और ये सब रूल्स को फॉलो किया जाता है। पंक्चुएशन बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना डायलॉग राइटिंग में, जिसके ऊपर मैं वीडियो जैसा कि मैंने बोला एक अपलोड करूंगा, आप उसे अवश्य देखिएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये डायलॉग राइटिंग का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।